हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है पंजाबी अमृतसरी लस्सी, वैसे ही जैसी कि आप बाहर जाकर पीते हैं, बिल्कुल गाढ़ी और मलाई मार कर। तो आज हम इसे बनाएंगे घर में और इसे बनने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और 5 मिनट में आपकी बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार मार्केट जैसी अमृतसरी लस्सी बन के रेडी हो जाएगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये अमृतसरी लस्सी बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बोल और उसमें डालूंगी मैं दही। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर मिल्क का दही जमाया है और ये बिल्कुल गाढ़ी दही है जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ी दही लेनी है। और इसके बाद इसे हम डाल देंगे बोल में, और दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर 4 से 5 बड़े चम्मच। और इसमें हमें खड़ी चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि खड़ी चीनी आप डालेंगे तो वो बाद में इसे मिक्स करने के बाद जब वो मेल्ट होगी तो आपकी जो लस्सी है वो पतली हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी इसमें और बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे मथनी, जो हर घर में होती है और इसे घुटनी भी कहते हैं। तो आज हम लस्सी इससे बनाएंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे भी लस्सी बना सकते हैं। बट इसे आप इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर मिक्सर में मत चलाइएगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो लस्सी है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, मिक्सर में चलाने से ये बहुत ही पतली बन जाएगी। तो अब हम इसे इस तरह से चर्न करेंगे, मथनी से हमें इस तरह से हाथ को हर तरफ घुमाते हुए इसे हमें करना है धीरे धीरे। इसे चारों ओर घुमाते हुए इस तरह से करें जब तक कि ये जो दही है बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती। हमें इसे मथना है। और अगर आप ऐसी और भी ढेर सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है ये। और अगर आप चाहें तो आप इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं, और वरना इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके भी पी सकते हैं। आइस क्यूब ऐड करने से ये भी थोड़ी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 स्टील के ग्लास। अमृतसरी लस्सी जो है वो स्टील के ग्लास में सर्व होती है, बड़े बड़े ग्लास में, बट हमारे पास घर में उतने बड़े ग्लास होते नहीं है, तो मैं इसे आज छोटे से ग्लास में सर्व करने वाली हूँ। तो इसमें हम डाल देंगे ये लस्सी। और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मलाई। तो ये दूध की मलाई नहीं है, आप इसके ऊपर दूध की मलाई बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये दही जमने के बाद जो उसके ऊपर की मलाई होती है, ये वो मलाई है, उसे आप दही जमने के बाद ऊपर से निकाल लें और उसे आप बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करें। और इसे हम इसके ऊपर रख देंगे मलाई को। और इसके बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ हरी इलायची पाउडर। आप इसे चाहे तो लस्सी में भी मिला सकते हैं। तो रेडी हो गई है हमारी अमृतसरी लस्सी बिल्कुल 5 मिनट में बनके। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक कर दें मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।